सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बार फिर हम लेकर आए हैं नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कौन सा सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है। पर एक चीज जो यहाँ समझनी है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम नौकरी का इंतजार करते रहते हैं और नौकरी आकर चली भी जाती है और हमें पता नहीं चलता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम कई बार खुद को अपडेट नहीं रखते हैं, तो इसीलिए हम आपको हर रोज अपडेट करते हैं ताकि आप पीछे ना रह जाएं। साथ ही आपको इस रिपोर्ट में मिलते हैं गुरु रहमान के कुछ खास टिप्स, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC ने सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। इसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए उम्मीदवार ESIC की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि esic.nic.in पर जाकर 12 अप्रैल 2022 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ ये भी बताना जरूरी हो जाता है कि ESIC रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 93 पदों को भरा जाना है। अब यहाँ समझिए कि इसके लिए आवेदन कौन कौन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स, लॉ या मैनेजमेंट में बैचलर की डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा ऑफिस सूट और डेटाबेस के इस्तेमाल के साथ कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु 12 अप्रैल को समापन तिथि के अनुसार कम से कम 21 और अधिकतम 27 साल होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन और वेबसाइट जरूर चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिन ज्ञान के समाज में मान नहीं, तो आइए आपको भी बिना वक्त जाया किए वे सुनाते हैं गुरु रहमान को। नमस्ते, अदावत, जय हिंद। मैं गुरु रहमान बिहार तक में आपको एक बात बता दूं कि ESIC जो कि केंद्रीय लेवल पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा है, उसके कुछ महत्वपूर्ण 92 सीट के लिए उसकी वैकेंसी निकली है। उस वैकेंसी में आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 25 क्वेश्चंस मैथ के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन आपको जनरल स्टडीज के होते हैं। 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के होते हैं। कुल 100 क्वेश्चन होता है आपको प्रारंभिक परीक्षा में, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है यानी 200 नंबर का होगा। आपको ये भी बता दूं मैं कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी है, इसका मार्क्स मुख्य परीक्षा में नहीं जुटता है। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के पश्चात, मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा में भी आपको रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, और आपको रीजनिंग मैथ इंग्लिश के साथ साथ आपको कम्प्रिहेंसन का होगा। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको जनरल नॉलेज में 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ में 50 क्वेश्चन होंगे, जबकि अंग्रेजी कम्प्रिहेंसन में 50 क्वेश्चन होंगे। कुल 200 प्रश्न होंगे 200 नंबर के, और इसका नंबर आपको जोड़ा जाता है, और तत्पश्चात आपको उसका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, इसमें आपको प्रिपरेशन टू पावर पॉइंट्स, आपको स्लाइड्स है, टाइपिंग मैटर एंड MS वर्ड विथ है, और प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल विद यूज ऑफ फॉर्मूला है। ये तमाम ESIC आपको 2022 जो निकाला गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, और इस पोस्ट की तैयारी के लिए आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और GK इंजीनियर वालेस कहा था, इसकी तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्किल टेस्ट के लिए भी कंप्यूटर टाइपिंग तैयारी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। और मैं बता दूं कि रीजनिंग के लिए आप इसको आप देख सकते हैं, अरिहंत देख सकते हैं, अन्य तो RS अग्रवाल देखिए। मैथ के लिए RS अग्रवाल देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप MB पब्लिकेशन का ग्रामर का प्रश्न बहुत अच्छा होता है, वो देखिए, या मार्टिन का देखिए। और GS के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, कोई भी GS का एक अच्छी सी किताब है। ऐसे तो मैं कहता आया हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि जो प्रारंभ से तैयारी कर रहे हो, NCERT का गहन अध्ययन करें और GS के लिए एक अच्छी किताब का अध्ययन करें।
अच्छी किताब का अध्ययन करें, ग्रुप बनाकर डिस्कशन करें और नियमित रूप से सेट प्रैक्टिस करें। तो ये थे गुरु रहमान के आपके लिए कुछ खास टिप्स। जाते जाते ये समझ लीजिए कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट यानी कि esic.nic.in पर जाएं, होम पेज पर रिक्रूटमेंट टैब पर जाएं और क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर 2022 पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करें और एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें। आवेदन शुल्क जमा करके संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर लें, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। आगे के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। तो बस अब चीजों को आपके लिए समराइज कर देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, तो इसको गौर से सुनिएगा। कुल पदों की संख्या है 93, आवेदन की आखिरी तारीख है 12 अप्रैल 2022, आधिकारिक वेबसाइट है esic.nic.in। तो बस अब सोचना नहीं है, मेहनत करनी है और फिर देखिएगा कि आपकी मेहनत क्या रंग लाती है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। शुक्रिया।